नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे हैप्पी किचन में। दोस्तों, तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टमाटर और हरे धनिया की चटनी, जो बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। और अगर पराठा हो आलू का तो और भी अच्छा लगता है। पूड़ी हो, पराठा हो, या दाल चावल से खाइए, या पकौड़ी वकौड़ी बनाइए तो खाइए, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देसी धनिया लिया मैंने यहाँ पे, एकदम देसी धनिया है, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ मैंने एक टमाटर लिया है, यहाँ पे थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया है, और ये हरा वाला लहसुन है, ये लहसुन हरा वाला है, तो एक लहसुन मैं डालूँगी ये पूरा। और यहाँ पे चार मिर्च ली है हरी, तो मैं इस सारी चीज़ों को चटनी बनाऊँगी पीस के, हरे धनिया की, बहुत ही अच्छी टेस्टी बनती है फ्रेंड। तो इस चलिए फिर दिखाते हैं, आज हम सिल बटने पे चटनी बनाएंगे, और सिल बटने की चटनी बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। और मिक्सर की चटनी तो पीसते ही काला हो जाता है, थोड़ा देर रख दो तो, लेकिन ये काली नहीं होगी फ्रेंड, तो सिल बटने पे बनाएंगे आज। तो चलिए फिर फ्रेंड बनाना स्टार्ट करते हैं चटनी। तो फ्रेंड हम इसको धुले थे, लेकिन इसको हम फिर से थोड़ा सा एक पानी से दोबारा सा धुल लेंगे, क्योंकि हम धनिया वगैरह लाते हैं तो पहले ही धुल के उसको रख देते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको धुल लेंगे। और इस तरीके से लहसुन को भी हमने तोड़ लिया है, और तोड़ के यहाँ पे रख लिया है। और इस तरीके से मैंने चार हरी मिर्च भी रख ली है, और अदरक, सारी चीज़ों को हम इस तरीके से रख लेंगे। और हम टमाटर को फ्रेंड बाद में पीसेंगे, और नमक के स्वाद अनुसार है। तो फ्रेंड मैंने टमाटर का भी टुकड़ा कर लिया है, तो हम अब इसको पीसेंगे थोड़ा सा हल्का सा, इस तरीके से सिल बटने की चटनी पीसेंगे, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड चटनी बनके मेरी हो गई है रेडी, देखिए बहुत ही अच्छी चटनी मेरी बन गई है। तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से हाथ की मदद से डालेंगे कटोरी में, इस तरीके से। तो फ्रेंड बनके चटनी हो गई है रेडी, देखिए बहुत ही अच्छी चटनी बनके मेरी रेडी हुई है। तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड, इसको किसी भी तरीके से खा सकते हैं आप, पकौड़ी के साथ या किसी के भी साथ खा सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है चटनी। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसी तरीके से चटनी बनाती हूँ। और मेरे हस्बैंड को तो ये चटनी दे दो अगर, और रोटी दे दो, तो सब्जी नहीं मांगेंगे आपसे, बहुत पसंद है उनको। तो आज मैं इसीलिए चटनी बनाई हूँ। तो फ्रेंड ये रेसिपी कैसी लगी, सॉरी चटनी की, तो कमेंट में ज़रूर बताना फ्रेंड, मुझे पसंद आता है तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और फ्रेंड अगर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और प्लीज़ आप सबका बहुत बहुत थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। और फ्रेंड पूरा वॉच करिएगा, और आगे से भी सारी वीडियो मेरी देखिएगा फ्रेंड। आप सबका प्यार, और इतना प्यार मिल रहा है हमको कि मतलब मैं कुछ बता नहीं पा रही हूँ, लेकिन थैंक यू बोल रही हूँ सबको। तो इसी तरीके से फ्रेंड अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिएगा। तो फ्रेंड मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।